बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मनु सलवा इजी एंड हेल्दी कुकिंग में आपको एक बार फिर वेलकम कहते हैं दिली दुआओं के साथ, कि आप लोग जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों, हैप्पी हों, हेल्दी हों, सेव हों, लाइफ एंजॉय कर रहे हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक इफ्तार टाइम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो अफादियत और प्रोटीन से भरपूर है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी की तरफ जाने से पहले, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वो चैनल पे नए हैं, तो काइंडली वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। आज हम आपके साथ लोबिया की चाट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। मैंने ये यहाँ पे 250 ग्राम लोबिया लिया था और इसे मैंने तकरीबन होल नाइट भिगो दिया था। अगर आप होल नाइट नहीं भिगोना चाहते तो 2-3 घंटे भिगो दें, इतना कि ये इस तरह फूल जाए। लेकिन अगर आप इसको भिगोना भूल गए और आपके पास टाइम कम है तो आप इसे नीम गर्म पानी में भिगो दीजिए, ये जल्दी भीग जाते हैं उससे। इस तरह की टिप्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, इसीलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो। कुकर हमने चूल्हे पर रख दिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब पहले 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसमें लाई रखमान ले रहे हैं। ऑयल के गर्म होने पर इसमें हम थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। ज़ीरे के बाद हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून। थोड़ा भूनेंगे। लहसुन अदरक के भुन जाने के बाद इसमें हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी 1/2 टीस्पून। हल्दी के बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं, ये अब टेस्ट के मुताबिक होगी। इसमें जायका नमक भी इसमें ऐड हो जाएगा। 1 प्याज़ भर के हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। थोड़ी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, इसी पॉइंट पर हम भीगे हुए लोबिया इसमें शामिल कर देंगे। मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हमने तकरीबन 1/2 प्याली पानी इसमें ऐड किया। अब कुकर को पेक करके हम 4 से 5 मिनट का जब प्रेशर देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। लोबिया हमारे पक गए हैं, अब हम इसका पानी खुश करेंगे। साथ ही इसी पॉइंट पर हम ये कटी हुई कुछ हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं, थोड़ा पुदीना भी शामिल कर देंगे, थोड़ी सी प्याज शामिल कर रहे हैं इसमें, थोड़ा इसमें हम लेमन जूस भी शामिल कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर कढ़ाई पसंद करते हैं तो शामिल कर लीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसके पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। इसका पानी तकरीबन ड्राई हो गया है, ये रेडी है सर्विंग के लिए। आपने चाट तो बहुत खाई होगी लोबिया की, लेकिन ऐसी चाट मैंने भी अभी तक यूट्यूब पे देखी नहीं है, देखने में नहीं आई है। कल मैंने अपनी ईजी रेसिपी आपके साथ शेयर की चाट की, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। रेडी हो गई है, अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। जी जनाब, ये हमारी लोबिया की चाट की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है, जितना देखने में अच्छा लग रहा है इतना ही अच्छा ये खाने में भी है। बहुत टेस्टी है, अफादियत से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और रमज़ानों में फ्राइड चीज़ें जो खा खा के इंसान की तबीयत बोझल हो जाती है, उसमें ये गुड चेंज होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वो चैनल पे नए हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक देते रहिए।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज, नए नए व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज के साथ। अल्लाह हाफिज़।